हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल सनलाइट। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। इस लॉकडाउन में आप लोगों ने मेरा पहला जो फ्लैशबैक था पार्ट वन आप लोगों ने देखा होगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, यही मैं आशा करता हूँ। और आप लोग को मेरा पार्ट टू भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पेशली दुबई मरीना, पाम जुमेरा, पाम अटलांटिक और जुमेरा बीच, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस होटल है जुमेरा होटल, जुमेरा बीच और होटल ब्रज अल आरब। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग के साथ और आप इंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना। आप मुझे नीचे आ रही लिंक जो स्पेशली फॉर इंस्टाग्राम के लिए, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे आ जाएगी आपके लिए स्क्रीन पे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट टू दुबई फ्लैशबैक। तो लीजिए आपके लिए है दुबई स्काईस्केपर, जहां पर आप दूर से देख सकते हैं बुर्ज खलीफा और एमिरेट टावर्स। मेरे राइट साइड में आप लोग देखने वाले हो दुबई फ्रेम। जब मैं गया था तब दुबई फ्रेम में काम चल रहा था, लेकिन अब तो वो खुल गया है और आप जाके यहां पर एंजॉय कर सकते हो। Amazing skyscrapers in Dubai, very beautiful view, awesome view. अभी आप टाइम लैप एंजॉय कीजिए, तब तक मैं मिलता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो एमिरेट टावर्स और बिल्कुल दोनों बिल्डिंग सेम साइज में बनी हुई दिखाई देती है, जैसे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है सेम दिखता है, वही है एमिरेट टावर्स इन दुबई। अब टाइम आ गया एक छोटा सा टाइम लैप्स का, उसके बाद क्लोज अप। तो लीजिए आपके लिए क्लोजअप लगा दिया एमिरेट टावर का, आप वेरी क्लोज देख सकते हो एमिरेट टावर कैसे दिखते हैं। वंस अगेन टाइम लैप को एंजॉय कीजिए और मैं आपको सीधा मिलता हूँ दुबई मरीना में। नाउ आई एम एट दुबई मरीना। दुबई मरीना में मैंने क्रूज राइड किया और क्रूज राइड से क्रूज राइड वाले हमें आगे तक ले गए दिखाने के लिए कि क्रूज मरीना की स्काई कपर्स कैसी दिखती है सी साइड एरिया से। और लुकिंग वंडरफुल, ब्यूटीफुल, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा जो दुबई मरीना में है। तो जब भी आप दुबई जाना चाहते हो, दुबई मरीना जाना चाहते हो, तो उनकी टिकट पहले से बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगती हैं। यहाँ पर मैं भी थोड़ा लेज़ी बन के कैमरा साइड पर रख के खुद बैठ गया व्यू को एंजॉय करने के लिए,
तो आप भी व्यू को एंजॉय कीजिए दुबई मरीना का। मैं पहुंचा हूँ होटल पाम अटलांटिस जो पाम जुमेरा पे आया हुआ है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। पाम जुमेरा की खूबसूरती गाइड टूर की जबानी आप भी सुनिए। Looking for an intimate hideaway away from the city in the world on your right side, that's for the Skydive Dubai. Another five-star hotel on your right, this is for one and only the Palm. It has 90 rooms, four exclusive beachfront villas and four private beachfront villas. Burj Al Arab view from Palm Jumeirah. That's looking very nice. Now we are at Jumeirah Beach. That's my left side. Jumeirah Beach Hotel, the famous Jumeirah Beach Hotel, Dubai. And that's the right side corner. You can see that Burj Al Arab, the world famous 7-star hotel. Now we are at Jumeirah Beach at Dubai, and this is the one of the finest beach in Dubai. You can see the my left side the Jumeirah Hotel and right side Burj Al Arab, the world famous Burj Al Arab Hotel. You have a very nice, very clear view, and that's very clear sea water. कुछ टाइम लैप्स की मस्तियाँ जुमेरा बीच पे, और उसके बाद मस्ती करते हुए लोग जो वर्ल्ड वाइड से घूमने आते हैं, जैसे हमारे इंडिया से भी काफ़ी लोग हैं, और ये मैं रहा मस्ती कर रहा हूँ जुमेरा बीच पे। जुमेरा बीच दुबई का काफ़ी फेमस बीच है, और अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आप अपना पूरा एक दिन वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज ऑफ वेरी क्लियर और वेरी क्लीन बीच है। यहाँ पे ज़्यादा कपड़ों की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए फॉरेनर्स है या फिर वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट है यहाँ पे स्विम करते हैं, क्योंकि यूएई में कुछ ऐसे भी बीच है जहाँ पर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते हो, और उसके लिए काफ़ी फाइन भी है और रिस्ट्रिक्शन भी है। यहाँ पर इतना है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना चाहते हो तो प्लीज़ आप लाइफ गार्ड से और वहाँ के इंफॉर्मेशन सेंटर से एक बार कम्युनिकेट कर लेना, नहीं तो फिर आपको पछताना ना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़
लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करते जाना। मैं आपके लिए, आप सब मेरे व्यूअर के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। ये मेरा फ्लैशबैक था जो लॉकडाउन में कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने, मेरे पास कंटेंट तो रेडी है बट मैं बाहर शूट करने जा नहीं सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को व्यू करने के बाद, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू देन, बाय।